महाशिवरात्रि पर घर ले आइए ये एक चीज, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ आपकी मनोवांछित इच्छा जल्द से जल्द पूरी कर दे। और साथ ही हम आपको बताएंगे क्या वो एक चीज है जो आपको शिवरात्रि के दिन जरूर खा लेनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप वाकई में शिव जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज अवश्य घर में ले आइए। इसके घर में आने से भोले बाबा जरूर खींचे चले आएंगे। ये चीज भोलेनाथ को आकर्षित करती है। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में और कैसे इससे बचे, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप शिवालय जाइए, शिव जी पर जल अर्पित करें, तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसे कभी भी मत लांघिए। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे लांघना नहीं चाहिए, उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित नहीं करने चाहिए। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं, ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हमसे हो जाती है जाने अनजाने में। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए पूजा करते समय, इससे आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। अगर ऐसा ना कर सके तो कम से कम काले रंग के वस्त्रों से तो परहेज करें, पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र ना धारण करें। दोस्तों, संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शक्कर इसमें आप जरूर मिलाइए और उसके बाद आप अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। शिवलिंग के ऊपर प्रसाद कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रसाद अर्पित करना है तो किसी चीज में या थाली में रखकर शिवलिंग के पास रखकर आप अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए शिवलिंग पर आपको कभी भी प्रसाद नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूलकर भी केतकी और चंपा अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर, तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा भी करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको भगवान शिव को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। माता रानी का आशीर्वाद ऐसे शादीशुदा जोड़ों पर हमेशा बरसता है, इसलिए सुहागन महिलाएं तो ये कार्य जरूर करें। दोस्तों, बेल पत्र बिना अर्पित किए तो शिव जी की पूजा की ही नहीं जा सकती, पूजा अधूरी रह जाएगी। आप इस दिन चंदन, केसर या फिर अगर आपको पाउडर वाला चंदन मिलता है तो उसे पानी में घोल कर ओम लिखिए, राम लिखिए और आप उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बेल पत्र को अर्पित करें। बेल पत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जो उसकी चिकनी सतह है वो शिवलिंग से मिलनी चाहिए और उसका डंठल वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, इस तरह से बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें, अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चावल टूटा हुआ ना हो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको किसी भी पूजा पाठ में काले कपड़ों का चुनाव नहीं करना चाहिए, साथ ही गहरे नीले रंग का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। अगर संभव हो तो भगवा रंग पहनकर ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। भगवा रंग बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है हिंदू धर्म में, इससे देव शक्तियां सक्रिय हो जाती है।
दोस्तों जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं इस दिन तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी आपको शिवरात्रि के दिन सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। बहुत ही ज्यादा शक्ति है इस मामूली से मंत्र में। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं शिवरात्रि का, तो भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में ही करनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो शिवजी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिवजी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा आपको कैसे देनी है चलिए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको पान का एक पत्ता लेना है और उसका डंठल हटा दें। अब उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी सी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा आप रख दें और ये आप भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से शिवजी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे ना तोड़ें। नारियल में से जल निकाल कर आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर नारियल जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कमल का फूल 5 दिन तक बासी नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों क्या आप जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं, तो ये जान लेते हैं। दोस्तों भगवान शिव का डमरू, शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी शिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर ले आइए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी पे रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, रोज उसकी पूजा करें, तो इससे सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ऐसा करेंगे तो कई गुना फल की प्राप्ति होगी, लेकिन बाकी किसी सोमवार के दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है और जहाँ पर भी मोर पंख रखा जाता है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी बरसती रहती है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाइए लेकिन जरूर खा ले, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते तो इसे थोड़ा बहुत चख लीजिए, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।